पिछड़ा वर्ग विशेष के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिजर्वेशन के दिए गए हैं उसका बंगाल की सरकार, बिहार की सरकार, राजस्थान की सरकार और हमारे पंजाब की सरकार खुलेआम उसका हनन कर रही है उनके हितों का। बंगाल में ओबीसी के कोटा में मुस्लिम तुष्टिकरण वहां किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का राजनीति के दृष्टि से उपयोग किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस आयोग की रिपोर्ट से भी बिल्कुल साफ है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है। नड्डा जी को भय है कि देश के स्तर पर जितने समान विचारधारा वाले दलों का जो एक मजबूत बंधन सामने आया है इनकी 2024 में बाट लगनी तय है। जहां जहां कांग्रेस और उनके तथाकथित सहयोगियों की सरकारें हैं वहां वहां ओबीसी समाज के साथ जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब में केवल 12% ही आरक्षण दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार ओबीसी समाज के आरक्षण को मुस्लिम समाज के आरक्षण में परिवर्तित करने जा रही है। ये भाजपा जो है और जहां जहां इनका शासन है दलितों को, पिछड़ों को, समाज के शोषित और वंचित लोगों को इस देश का नागरिक भी नहीं माना जाता, उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है जैसे वो आज भी अछूत हैं। भाजपाइयों ने खा लिया आरक्षण। हम जब कहते हैं कि आप जातिगत मतगणना करा लो तो आपकी चुप्पी सच जाती है, आपका मुंह नहीं खुलता डर के मारे, क्योंकि आप बैकवर्ड विरोधी हो, आप नहीं चाहते उनको उनका हक मिले और भाषण लंबे लंबे कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। अलग से मतगणना कराई जाए, जातिवार कराई जाए, जिससे सबको समुचित लाभ मिल सके। नड्डा साहब, हमारे यहाँ तो 4 मुख्यमंत्री हैं, कुल 4 शासित राज्य, 3 हमारे बैकवर्ड मुख्यमंत्री। जो उनको ओबीसी के कोटा में जो आरक्षण मिल रहा है उसमें वो सेंध लगा रहे हैं और इनके हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और।